हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्विक आंसर के ऊपर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पेट्रोल का निर्माण कैसे होता है, किस तरीके से समुद्र से पेट्रोल को निकाला जाता है और पेट्रोल की खपत किस तरीके से बढ़ रही है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम मेचो रिसर्च एक्सपर्ट की माने तो धरती में आज की तारीख में 1.3 ट्रिलियन बैरल तेल ही मौजूद बचा है और जिस स्पीड से तेल आज के समय में यूज़ हो रहा है, आने वाले 30 से 40 सालों में तेल पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, पेट्रोल कैसे निकलता है, उससे पहले हम कुछ डाटा देख लेते हैं। सन 1990 में इंडिया में पेट्रोल की कीमत 12.23 रुपये प्रति लीटर थी। 2000 में वह बढ़कर 25.94 रुपये प्रति लीटर हुई। 2010 में 47.43 रुपये प्रति लीटर और वहीं अब 2021 में बढ़कर 105 रुपये प्रति लीटर हो गई है। तो दोस्तों, आपने देखा हर 10 साल में पेट्रोल लगभग डबल से भी ज़्यादा महंगा हो रहा है और इस हिसाब से देखें तो 2030 में यह 170 या 180 के आसपास हो जाएगा तथा वहीं 2040 में यह बढ़कर 300 से 400 रुपये प्रति लीटर हो सकता है। दोस्तों, जैसे जैसे पेट्रोल धरती से ख़त्म होता जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और यह सोने की तरह महंगा बिकने लगेगा। दोस्तों, आज के टाइम में पेट्रोलियम पर ही पूरी मानव जाति निर्भर है। ट्रांसपोर्टेशन का कोई दूसरा सोर्स न होने के कारण इसकी प्राइस हर टाइम बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी और यही कारण है कि महंगाई भी बढ़ रही है और इन्फ्लेशन हो रहा है। लेकिन अभी के टाइम में कोई दूसरा सोर्स भी नहीं है जिससे कि हम पेट्रोल और डीजल से उस सोर्स पर शिफ्ट हो सके। इसके अलावा दोस्तों, यह एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, अर्थात इसे रिसाइकिल करके दोबारा भी यूज नहीं कर सकते हम। इसी कारण हाई डिमांड और लो सप्लाई के कारण इसके दाम बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। इसकी महंगाई का एक और कारण है इसकी मैन्युफैक्चरिंग, अर्थात पेट्रोल कैसे बनता है। दरअसल हमें पेट्रोल समुद्र के अंदर से पेट्रोलियम के रूप में प्राप्त होता है और यह एक काला और गाढ़ा द्रव होता है जिससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि को अलग किया जाता है। इसे साफ करने के लिए कारखानों में लाया जाता है। इन कारखानों में पेट्रोल रिफाइनरीज कहा जाता है। कच्चे तेल को बड़े बड़े बेलनाकार बर्तनों में डालकर गर्म किया जाता है। अलग अलग टेम्परेचर पर इस कच्चे तेल से अलग अलग चीज़ें निकाली जाती है। दोस्तों, इन पेट्रोल और डीजल आदि के दाम एक जैसे नहीं होते हैं। इनकी प्राइस हर जगह अलग अलग होती है, अर्थात जहाँ पेट्रोलियम के कुएं होते हैं या जहाँ पेट्रोलियम के कारखाने होते हैं, वहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम कौड़ियों में होते हैं। वहीं जितना दूर इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, इनकी कीमत बढ़ती जाती है तथा गवर्नमेंट द्वारा अलग अलग टाइप के टैक्स लगा देने से तथा ट्रांसपोर्टेशन से भी इनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अब हम सबसे ज़रूरी टॉपिक की बात करते हैं कि पेट्रोल आता कहाँ से और किस तरीके से पेट्रोल का निर्माण होता। दोस्तों, आज से जब अरबों साल पहले धरती के अंदर उथल पुथल हुई तथा इस पर मौजूद बड़े बड़े जीवों तथा पेड़ पौधों का नाश हुआ था, तब वे दोस्तों सब धरती की गहराई में समा गए थे। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा गहराई तथा हाई टेम्परेचर तथा प्रेशर के कारण ये सभी जीव और पौधे डीकम्पोज होना स्टार्ट हो गए और फिर इन्होंने पेट्रोलियम तथा कोयले के रूप में बदल गए और यह सब कुछ खास जगह ही हुआ है जो कि मनुष्यों में उस जगह को खोजा और पेट्रोलियम को निकालना स्टार्ट किया। कच्चा तेल समुद्र और धरती दोनों जगह पर पाया जाता है, किंतु दोस्तों, धरती पर पाया जाने वाला पेट्रोल या फिर पेट्रोलियम आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन समुद्र के अंदर पाए जाने वाले कच्चे तेल को निकालने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है। कच्चे तेल को निकालने के लिए समुद्र के ऊपर रिफाइनरी को बिछा दिया जाता है। यह एक बहुत ही बेलनाकार बड़ा सा कैंप होता है जिससे कि आसपास की चट्टानों से बांध दिया जाता है तथा इसको एक स्टेबल रूप दे दिया जाता है ताकि यह इधर उधर ना हो।
फिर समुद्र में गहराई तक ड्रिल किया जाता है। यह ड्रिल उसी टाइप का होता है जिस तरीके से हम घरों के अंदर बोरिंग करते हैं। जब तक कि कच्चा तेल ना निकल जाए तब तक ड्रिल किया जाता है। फिर जैसे ही कच्चा तेल मिल जाता है उस तेल को पाइप की मदद से उस तैरती हुई रिफाइनरी में भेज दिया जाता है और यहाँ से तेल को बड़े कारखानों में भेज दिया जाता है। दोस्तों जहाँ से कच्चे तेल का डिस्टिलेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। दोस्तों हर वस्तु का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है जिस पर वह अपनी मूल अवस्था को छोड़ देती है। जैसे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है तथा वह अपनी मूल अवस्था को छोड़कर भाप में बदल जाता है। इसी तरह कच्चे तेल 260 डिग्री पर डीजल, 180 डिग्री पर केरोसिन, 110 डिग्री पर नेफ्था और 40 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल में बदलता है। तो दोस्तों इसी तरीके से कच्चे तेल के डिस्टिलेशन से और भी कई चीज़ें जैसे मोम, डामर आदि मिलते हैं। तो दोस्तों आप अब समझ ही गए होंगे कि पेट्रोल कैसे बनता है। अब बात करते हैं इसके ट्रांसपोर्टेशन की। दोस्तों पेट्रोल के अंदर टेस्टिंग के दौरान जितनी ज़्यादा ऑक्टेन प्राप्त होता है वह उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी प्राप्त होती है। और दोस्तों उस पेट्रोल के अंदर एनर्जी और एफिशिएंसी उतनी ही अधिक होती है। तो दोस्तों इस ऑप्टेन क्वालिटी के आधार पर ही इसे अलग अलग जगह तथा अलग अलग भावों में बेचा जाता है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि पेट्रोल कितना सीमित संसाधन है। अब मानव के लिए और किस सोर्स पर डिपेंड होना जरूरी है। तो दोस्तों अब अगर हम इसके दामों से बचना चाहते हैं तो हमें एनर्जी सोर्स की तरफ शिफ्ट होना होगा, एनर्जी व्हीकल की तरफ बढ़ना होगा, तभी हम पेट्रोल और डीजल पर अपनी निर्भरता को कम कर पाएंगे। और इसके बाद ही दोस्तों पोल्यूशन के अंदर भी कमी होगी और पेट्रोल के दामों में भी कमी होगी, पर वो शायद टेस्ला के आने के बाद ही संभव हो पाएगा। टेस्ला द्वारा बनाई गई बैटरी और एनर्जी के सोर्स से यह टाइम आने में 10 साल या इससे कुछ ही टाइम ज़्यादा लग सकता है, तभी इसकी प्राइस कम होगी, महंगाई भी कम होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।